ज्ञापन देने आए थे, कलेक्टर साहब को भी हमने दे दी थी, मगर हमको अनुमति नहीं दी गई। यहाँ CSP TI और पुलिस ने हमको यहाँ रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, मगर हम जनता की समस्याओं को लेकर यहाँ आए थे। यहाँ हमसे ADM महोदय ने ज्ञापन जो है पुलिस ने यहाँ रोका और हमने जो है उनको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग यह की गई है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा थी उसकी जो फीस जमा की गई वो वापस दी जाए, साथ ही कोविड में जो लोग मरे थे कोरोना में उनको 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, वो अभी तक नहीं दी गई, ना सहायता राशि दी गई, बच्चों को निःशुल्क जो है उनको शिक्षा दी जाए, साथ ही जो है उनके परिजनों को पेंशन दी जाए। उसके साथ ही हमने मांग की है कि जो पुलिस विभाग की भी हमने समस्या रखी है, जो कोरोना काल के दौरान पिछले साल भी और इस साल जो बीमार हुए थे, अन्य बीमारियों में हुए थे, उनने स्वयं के खर्चे से अपना इलाज कराया था, वो भी उनको वापस नहीं दिया गया। साथ ही जो है जो इंक्रीमेंट जो साल भर का मिलना चाहिए उनको, वो साल भर का इंक्रीमेंट जो है उनको नहीं मिला। और इसके अलावा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हमने जो है यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि शीघ्र से शीघ्र जो है जनता की समस्या जो है निपटाई जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में हम जो है मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। आज हमने ये चेतावनी दी है और हम जो है प्रशासन की निंदा करते हैं कि मुख्यमंत्री सबके हैं, एक के नहीं है। जब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री सब जनता के हो जाते हैं और सब दल के हो जाते हैं, मगर हमारी बात को नहीं सुना गया। यहाँ प्रशासन ने हमने रोक दिया, हमको रोका है, हम इसकी निंदा करते हैं।